बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया है और हमने ईरान को बड़ा एक जवाब दिया है। और इस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया है वो बड़ा चुनकर रखा गया है। इसका नाम हमने रखा है मर्ग बर शर्म चार। ये बेसिकली मर्ग बर, आप जानते हैं कि ईरानी जो नारा लगाते थे मर्ग बर अमरीका, यानी अमरीका मुर्दाबाद के हिसाब से, इसी तरह ये मर्ग बर जो वर्ड है ये फारसी है जिसका मतलब है मुर्दाबाद। और शर्मचार असल में जो वर्ड है, अगर हम इसका मायनी देखें तो बेसिकली तो ये सरफरोश बनता है, लेकिन ये जितने बीएलए और बाकी तमाम लोग, ये बलूची वर्ड है, ये असल में इस्तेमाल करते हैं, फिदाइन जो होते हैं ये असल में इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो मतलब है कि जो फिदाइन है या बीएलए या जो भी इनके लोग हैं, इनको हमने मुर्दाबाद के तौर पर याद किया। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 100 किलोमीटर इनसाइड ईरान के सूबे सिस्तान में हमला किया और पाकिस्तान ने कहा जी हमने दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया है और हमने बहुत सारे दहशतगर्द मार दिए। और उन्होंने कहा कि हम काफ़ी देर से बातचीत कर रहे थे ईरान से। जाहिर सी बात है, ये तो एक लफ्जी बात है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने ईरान के हमले का जवाब दिया है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि ईरान ने कहा है कि जी हाँ हमला हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 3 खवातीन और 4 बच्चों को मारा, यानी ये उन्होंने अपना मौकफ दिया है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि इस वक्त हंगामी तौर पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई, उनकी एक मीटिंग जारी है और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने इंटेलिजेंस के चीफ को बुलाया है, उन्होंने एयरफोर्स के चीफ को बुलाया है, आर्मी चीफ को बुलाया है और उनके जो करदा धरता हैं बड़े, उनकी एक हंगामी मीटिंग जारी है। और उसमें वो इस बात पर अब देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले ये बताए कि हमला रुका क्यों नहीं, पाकिस्तान ने हमला किया है तो ईरान इस हमले को रोका क्यों नहीं, नंबर वन ये। नंबर टू वो ये देखने जा रहे हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या और अब हमने क्या जवाब देना है और अब हमें करना क्या है। देखिए, दो सूरत हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो हमला किया, हमारी जानिब से हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो खास तौर पर सफीर हैं उनको तलब कर लिया है तेहरान के अंदर और उनको कहा है कि आप जवाब दें कि आपकी हिम्मत किस तरह हुई कि आपने हमला किया। और इस सारी सूरत हाल के बाद एक बहुत बड़ी हंगामी मीटिंग जारी है जिसमें फैसला ये होने जा रहा है कि आया हमने पाकिस्तान पर हमला करना है, मामला तय करने है, यह क्या सूरत हाल है। ईरान ने इस वक्त काम ये किया है कि अपने जो डिफेंस सिस्टम है उनको, यानी उन एरियाज़ के अंदर लगाने का फैसला कर लिया है खास तौर पर जहां से चीज़ें हुई। देखिए, उन्होंने तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान ने तकरीबन 100 किलोमीटर इनसाइड उनके इलाके में हमला किया है। और जाहिर सी बात है, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, पाकिस्तान अगर ये हमला ना करता तो सर्टनली अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर स्ट्राइक तैयार था, कुछ अरसे के बाद होना ही होना था। एक होता यह है कि आप एक प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि ठीक है यार, जो बंदा आएगा वो पाकिस्तान पर हमला कर लेगा और ये कहेगा कि हमने दहशतगर्दों को मारा है या हमारा ये था, ये अफगानिस्तान भी करता। और हालिया आपको पता है कि ज़बीला मुजाहिद ने आकर ये बात क्लियर लिखी थी, उसने कहा था कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है दाइश के, पता नहीं कौन कौन से लोगों के वो नाम ले रहे थे। तो कल को कोई भी उठकर ये कहता है कि ठीक है हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। फिर ईरान दोबारा हमले की तैयारी भी कर रहा था, जो सबसे बड़ी बात है, ईरान तैयार था दोबारा हमले के लिए भी पाकिस्तान पर। और उनके देखिए डिफेंस मिनिस्टर ने बात कही थी कि हमने कार्रवाई करनी है, हम करेंगे, दोबारा करेंगे, हर सूरत करेंगे, और वो तैयारी कर रहे थे और अभी भी खतरा है कि वो करेंगे और दोबारा उन्होंने करना है। अब इस सूरत हाल में सबसे बड़ा एडवांटेज था वो इंडिया का, जयशंकर की मुलाकात हुई थी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो वहां पर दोनों अपने कंसर्न शो किए थे। लेकिन इंडिया ने कल एक स्टेटमेंट जो जारी की वो बड़ी अजीबोगरीब थी। इंडिया ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान और ईरान का इंटरनली मामला है, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं इस चीज को कि दहशतगर्दी की जो टॉलरेंस है वो 0% होनी चाहिए, उस पर हम कतन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 0%। उन्होंने कहा कि ये हक रखते हैं कोई भी मुल्क कि वो कार्रवाई करे, यानी उन्होंने असल में ईरान को कर दिया था बैक। अब सवाल ये पैदा होता है, जो सबसे बड़ा अहम सवाल है, कि क्या ईरान दोबारा हमले की तैयारी इस वक्त कर रहा है। देखिए, सर्टेनली वो तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जरूरी नहीं है कि अभी करना है कल करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके बाद हुआ क्या। देखिए, चाइना ने असल में कल जब ईरान ने हमला किया
तो चाइना ने ये कहा कि भाई आप इस सारे मामले पर ठंडे हो जाएं, बैठकर बातचीत करो, पाकिस्तान और ईरान को यानी रोका। देखिए इसमें उन्होंने हुक्म नहीं दिया लेकिन एक मशवरा दिया, उनकी एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान हमला ना करे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जाहिर सी बात है जब हमला करेंगे, अब जैसे उनकी हंगामी मीटिंग जारी है और वो प्लान कर रहे हैं कि वो हमला करें, तो चाइना ये चाह रहा था कि ये लड़ाई बढ़ेगी और ये बढ़ सकती है। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान ने हमला करके जवाब दिया कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन इस सारे मामले पर हम चुप भी नहीं बैठेंगे। अब पाकिस्तान ने काम भी किया है कि ईरान समेत जो मगरबी साइड से आने वाली जो तमाम परवाजें हैं उसकी अब मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, और ये जितना है पाकिस्तान की इस वक्त फोर्सेज जो हैं वो अलर्ट हैं, हाई अलर्ट हुई हैं, और इस सारी सूरत हाल में यानी कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं और तमाम चीज़ उसके लिए हमारी एयर स्पेस खुली है, लेकिन अब मॉनिटरिंग जारी है कि हमने करना क्या है, क्या सूरत हाल है। अब चाइना का ये ख्याल था कि पाकिस्तान जवाब ना दे और ये लड़ाई ना बढ़े, लेकिन अगर हम ये ना करते तो फिर ये एक और अजीब मामला होता कि इंडिया भी तैयार था, फिर तो कोई मुल्क कल को अमरीका करता या कुछ होता। अगर हमने देखिए लैप्टॉप ऑपरेशन है वो ना होने दिया होता तो आज ये चीज़ें ना होती। उसके बाद इंडिया को शह मिली थी, इंडिया के बाद अब ईरान को शह मिली है, और अब ये कल को किसी भी मुल्क को शह मिल सकते हो। कोई भी उठेगा पाकिस्तान पर हमला करेगा और कहेगा यहाँ दहशतगर्द थे, हो या ना हो वो अलग बात है, वो करेगा और चला जाएगा। अब यहाँ जो असल सूरत हाल पैदा हुई है कि चाइना इमीडिएटली दोनों ममालिक से रबते में है और वो कोशिश करें कि टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए कि आप लोग ये ना काम करें। अब असल में उन्होंने ईरान ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, इंडिया ने चीज़ देख ली है कि अच्छा वो इस चीज़ को देख रहे हैं किसी तरह के, हमने जब पाकिस्तान पर हमला करना है तो स्ट्रेटजी क्या होगी, इन्होंने क्या किया। अगर ये जवाब ना देते तो हो सकता है कि हफ्ते दो या महीने के बाद इंडिया हम पर हमला कर देता। हमला तो उसने करना है लेकिन वो इस तरह का हमला नहीं करना जैसे ईरान ने किया है, कर के पीछे उन्होंने पूरी तरह अपनी पलटन फौज और सब कुछ उतार रहा है, वो इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के हमले की मजम्मत की है और यूरोप की जानिब से जापान ने भी ये बात कही है कि इमीडिएटली पाकिस्तान और ईरान कूल डाउन हो जाए, ये मामला तहीं पर रहने दे। अब चाइना असल में कोशिश कर रहा है कि ठीक है ईरान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने भी कर दिया, तो चलो अब ये चीज़ें कूल डाउन कर दे। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि ईरान अब हमला करेगा तो किस तरह का, और अगर नहीं करेगा तो क्या सूरत हाल होगी और उसने किया क्यों है। देखिए ईरान को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो ये वो समझ रहा है, आप ये देखिए कि टाइमिंग होती है हर चीज़ की बड़ी अहम। इस वक्त ईरान का कोई हमला करना बनता नहीं था पाकिस्तान पर, आप सोचे ना, उन्होंने महाज खोले हुए हैं, उन्होंने हमास के थ्रू इसराइल को पकड़ा हुआ है गले से, हिजबुल्ला के थ्रू भी उन्होंने इसराइल को पकड़ा हुआ है और वो कामयाबी जा रही है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं। इराक में उन्होंने हमला कर दिया है, शाम में उन्होंने हमला कर दिया, और यमन के थ्रू उन्होंने अमरीका का गला पकड़ा हुआ, कल फिर हमला कर दिया रात को अमरीका की शिप के ऊपर यमन ने हमला किया। तो ईरान अगर देखे तो सारी जगहों पर उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। यूक्रेन के मामले के ऊपर उसने रूस को हथियार और ये यानी ड्रोन से तमाम चीजें दी है, वहां भी उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो एक अच्छा खासा डर उसका बैठा हुआ है। देखिए सारे मामले पर ईरान को क्या जरूरत थी कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, आपने कई महाज खोले होते हैं तो इस महाज के अंदर जरूरत क्या थी कि उसको एक और काम करना है पाकिस्तान के खिलाफ, कि नहीं मैंने हमला करना है, नहीं मैंने ये काम करना है। असल मसला ये है कि देखिए ईरान को एक खदशा है, अब ये नहीं पता कि उसके पास इसकी इंटेलिजेंस मालूमात थी, इस बिहाफ पर उसने ये बात सोची है, या फिर उसने इस सारे मामले के अंदर कुछ अजम्पशन अपने से कर ली है, या उसने फ्यूचर को सामने रखकर कि हो जाए तो मसला पैदा हो जाएगा। असल में आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान की जब लड़ाई थी वो लड़ाई इस तरह थी यमन के थ्रू, तो उस वक्त पाकिस्तान ने सऊदी अरब ने उसको कहा, लेकिन पाकिस्तान ने यमन की जंग में जाने से इनकार किया। तो इस सारे मामले पर हमने कोशिश की कि नहीं हमने ईरान से लड़ाई नहीं करनी, फिर आप जानते हैं कि उसके बाद कुलभूषण वाला मामला भी हो गया। अब कहानी यह है कि ईरान को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान इस कैंप में ना चला जाए, यानी जो कैंप बन जाए जो यमन के खिलाफ बने, क्योंकि अमेरिका इस वक्त तमाम ममालिक से रबते कर रहा है कि भाई आप आए और यमन के खिलाफ हमारे साथ खड़े हों, अपने जहाज भेजे, अपने शिप भेजे, सारी चीज़ें भेजे ताकि हम ये मामलात को क्लियर करें और यमन के खिलाफ एक महाज खड़ा हो। यमन के खिलाफ होगा तो ईरान के खिलाफ भी। ईरान को कहीं ये भी लगता है कि कल को अमेरिका या बाकी कोई और ताकतें पाकिस्तान को मजबूर ना करें या कोई अड्डे की बात ना हो जाए, कुछ हो जाए। पाकिस्तान ने फिलहाल अपनी पोजीशन क्लियर की हुई है कि हम यानी सारी सूरत हाल में अवॉइड कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, क्योंकि ये जो जंग है ये बड़ी तबाहकुन जंग है। इसीलिए तो चाइना ने कहा है कि इस सारे मामले पर आप दूर रहें, तो पाकिस्तान ने फिलहाल कोई ऐसी चीज़ ना बताई है कि हमने जाना है शमूलियत का, हमने कोई ऐसा इशारा भी नहीं दिया। ईरान ने असल में हमला ये करके बताया है कि अगर कोई जाता है, कल को आपके अंदर सोच भी पैदा होती है
तो मैं आपके सर पर बैठा हूँ, मैं हमले का जवाब दूंगा। चूंकि ईरान के मिसाइल हालिया जो उन्होंने फायर किए हैं, उन्होंने जाहिर सी बात है रिजल्ट्स दिखाए, इराक में उसको नहीं रोक पाया अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, शाम में कोई नहीं रोक पाया, और अब उन्होंने पाकिस्तान पर भी हमला किया। तो उनको ये लगता है कि यमन भी जो मिसाइल मारा वो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पा रहा और वो ईरानी टेक्नोलॉजी है, तो लिहाजा उनकी जानिब से मामला ये था। वरना देखिए लेट से उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंदर ये हमला हुआ है, जिम्मेदारी कबूल की है जेशुल-अदल ने, और ये कोई भी सूरत हाल, उन्होंने कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की कि देखिए हमने पाकिस्तानियों को तो निशाना नहीं बनाया, हमने आप लोगों को तो नहीं मारा, हमने तो दहशतगर्दों को मारा। तो पाकिस्तान ने भी आज जवाब में ये कहा कि देखिए हमने कोई आपके लोगों को तो नहीं मारा, मिलिट्री को तो टारगेट नहीं किया, हमने तो दहशतगर्दों को टारगेट किया है। और माजी के अंदर सूरत हाल जो है वो आप सबके सामने। अब असल में ईरान को ये लगा कि नहीं, अगर ये कल को जा सकते हैं तो फिर मसला हो जाए। वो पहले ही उसने, चूंकि उसने काफ़ी कामयाबियाँ समेटी हैं हिजबुल्ला और ये तमाम चीज़ों के जरिए, और इसराइल और अमरीका यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे उसके आगे, तो इसलिए उसने कोशिश की कि ये काम कर सके। अब यहाँ जो सूरत हाल है वो इनकी जो मीटिंग जारी है उसके बाद क्या फैसला होगा। देखिए ईरान ने पूरी कोशिश करनी है कि जाहिर सी बात है उसकी एक धाक रहे, ये तो उनका मामला है, लेकिन चाइना भी इस खत्ते को देख रहा है और वो चाहेगा कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े, किसी सूरत आगे ना बढ़े। पहले उसने कोशिश की थी कि पाकिस्तान भी एक्शन ना ले, यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई हुक्म जारी किया, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि लड़ाई ना आगे बढ़े। अब देखिए अगर ईरान कोई हमला दोबारा करता है तो फिर ये बड़ी गलती होगी, क्योंकि ईरान ने अगर इस दफा जो हमला किया जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि फिर हम फुल स्केल जंग में भी जा सकते हैं। ज़हन में रखिएगा, अभी हमने कह दिया है कि भाई हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमने कोई हमला करना है या लड़ाई करनी है। और देखिए बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ईरान अगर इसराइल के मामले के ऊपर लड़ाई कर रहा है, यमन के साथ है, हमास के साथ है, हिजबुल्ला के साथ है, तो उसको फोकस वहीं पर रखना चाहिए। और ये चाइना का भी यही ख्याल है कि वो फोकस उधर हो ज्यादा बेहतर है। चाइना भी असल में सारी सूरत हाल के अंदर देख रहा है कि ये अगर मेरे तहदी आपस में लड़ते हैं तो नुकसान मेरा होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका ने कल ये बात की है कि पाकिस्तान, देखिए कोई भी मुल्क हो आप उसकी एयर स्पेस को उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो तो मुल्क जाहिर सी बात है हक रखता है आप पर हमला करने का और उसके बाद जंग छेड़ने का। आप अगर अपने जेट्स लेकर जाते हैं किसी भी मुल्क के अंदर हमले के लिए तब भी ये एक खिलाफ वर्जी होती है, फिर तो फुल स्केल वॉर है, फिर तो आप इसे पीछे नहीं हट सकते। तो अब सूरत हाल जो पैदा होगी वो ईरान के लिए होना ये चाहिए कि ईरान और पाकिस्तान यानी ये मामला अब तय करें बातचीत के जरिए, और नेक्स्ट कोई चीज़ है तो ईरान को चाहिए शेयर करें आपस में एक दूसरे की तरह। ये हमला करना ये चीज़ें इससे हो ये रहा है कि फोकस जो था वो सारा इसराइल पर था। आप देखिए 24-48 घंटे में सारी दुनिया का फोकस ही बदल गया। अमरीका को असल में एक चीज़ मिली है, अब इसराइल ने जाहिर सी बात है अमरीका को ये बात कहनी है कि पाकिस्तान ने अगर ईरान पर हमला किया है तो आप क्यों नहीं हमला कर सकते। देखिए पाकिस्तान और ईरान का मामला ज़्यादा डिफरेंट है, हमारे लगते हैं बॉर्डर साथ, उन्होंने हम पर हमला किया, हमने उन पर हमला किया, एक जवाबी कार्रवाई हुई, चीज़ें काम डाउन होगी। अमेरिका का जो हमला करना है अब इसराइल उस पर बहुत ज़्यादा जोर देगा कि अगर पाकिस्तान कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते। देखिए ईरान का पाकिस्तान के साथ हमला या हमारा उनका जवाब देना ये दो अलग चीज़ें। अमरीका अगर हमला ये करता है तो जाहिर सी बात है ईरान ने उसको फिर वो फुल स्केल वॉर है, वो तो फिर मामला ख़राब है, क्योंकि उनके फिर इराक में एसेट्स हैं, शाम में एसेट्स हैं और बाकी जगह उनकी जो मिलिट्री बेसिस हैं वो फिर अमेरिका की जितने भी हैं उन पर वो हमला करेंगे, फिर वो पीछे नहीं हटने वाले। सो लिहाजा ईरान अगर यहाँ पर समझदारी का मुजाहरा करता है तो ये मामले को यहीं पर दफन हो जाना चाहिए, यहाँ पर आप मामला तय करें और इसको आगे बढ़े, अब मूव ऑन करने वाली बात है। और नेक्स्ट ईरान को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी, देखिए पाकिस्तान चाहे जो भी है एक न्यूक्लियर स्टेट तो है ना, तो इस सारे मामले के अंदर कल को अगर लड़ाई बढ़ती है तो फिर सोचिए कितने कंट्रोल से बाहर होगी। लेकिन यहां दो चीजें समझिएगा, यहां पर इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान और ईरान लड़ पड़े, इसराइल भी चाहेगा, अमेरिका भी चाहेगा, और वो तमाम यूरोपियन ताकतें भी चाहेंगी जो इस वक्त यमन के महाज के ऊपर उनको शिकस्त हो रही है, जो हमास वाले महाज पर शिकस्त हो रही है, इसराइल वाले महाज पर शिकस्त हो रही है, वो चाहेंगे कि ये हमारे ऊपर फोकस करने की बजाय आपस में इनकी लड़ाई हो जाए ताकि चीजें यहां से वहां चली जाए। अब ये पूरी कोशिश होगी उनकी। सो लिहाजा हमने जवाब दे दिया ईरान को, ईरान की अब मीटिंग जारी है, उसमें देखें वो क्या फैसला करते हैं। अगर उन्होंने लेट से इस गलती को दोबारा दोहराने का फैसला किया कि जी हमने पाकिस्तान में हमला करना है, तो फिर सर्टनली ये लड़ाई यहां पर नहीं रुकने वाली, ये फिर बड़े पैमाने पर जाएगी और ये बड़ी भयानक लड़ाई हो सकती है। आप शायद हम लोग भूल जाएं बाकी सारी लड़ाइयों के,
कि ये फिर लड़ाई इतने खतरनाक मोड पर चली जाएगी जो किसी के कंट्रोल में भी रही नहीं रहेगी। सबसे बेहतर सूरत हाल इसके यही हो सकती है कि अब डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत करें। देखिए, ईरान के पास एक मौका था। कल सूरत हाल ये थी कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो राय पाई जा रही थी, कि हम हमला करें दूसरा ना करें। अगर कल ईरान हमले के बाद कोई इस तरह की बात कर लेता कि ठीक है हमसे गलती हुई है, हम इस मामले को नेक्स्ट टाइम बातचीत के जरिए आपको बताकर करेंगे, तो इस सारी सूरत हाल में शायद कहीं ना कहीं हमले की जरूरत ना पड़ती। लेकिन फिर भी अगर हमला आप नहीं करते तो फिर इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका कल को कोई भी उठकर ये हमला कर सकता है। और फिर बात वही आ जाती है कि अगर हमने डे फर्स्ट से अमेरिका को एबटाबाद ऑपरेशन ना करने दिया होता तो शायद ना कभी भारत को ख्याल आता, ना फिर कभी ईरान को ख्याल आता। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर फिर वो कह रहे हैं कि जी हमें हमला करना है और हमें जवाब देना है। अगर वो ये गलती करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको नुकसान बड़ा भयानक उठाना पड़ेगा। और लड़ाई जारी है इस खत्ते की, मिडिल ईस्ट की, और वो बढ़ते बढ़ते फिर एशिया में आ जाएगी, जिसका अल्टीमेटली नुकसान ईरान को भी होगा और जाहिर सी बात है होगा। अमरीका वाला मामला डिफरेंट है, ये मामला बिल्कुल अलग है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।